आप सब देखकर आपको समझ आ ही गई होगी कि इस वीडियो में मैं आपको डंकी के टीजर को लेकर अपडेट देने वाला हूं और अपडेट अच्छी नहीं है। अब सबसे पहले तो गाइस ये अपडेट आई कहां से मैं आपको वो बताऊंगा और उसके बाद इसमें कितना दम है हम वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना होता है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको फौरन से मिलती रहे। तो मैं आपको गाइस बताता चलूं, ट्विटर के ऊपर भाई शाहरुख खान के वैसे तो बहुत से फैन पेज हैं, मतलब सबसे पहले तो छोटे छोटे पेज जिनके 1,000, 2,000, 10,000 फॉलोअर्स हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं बड़े ऑफिशियल पेज जो के वेरिफाइड हैं, ब्लू टिक हैं एंड लाखों में उनके फॉलोअर्स हैं। तो उनमें से गाइस एक ट्रस्टेड पेज जिसका गाइस ये कहना है कि भाई डंकी का टीजर 2nd of November को नहीं आ रहा, ये आएगा दिवाली टाइगर 3 12th of November पे। अब सबसे पहले भाई उन्होंने ऐसा क्यों बोला मैं आपको वो बताने वाला हूं। उनके पास भी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला क्यों उसमें भी दम है। रीजन उनका कहना था कि भाई उन्होंने बोला तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली उनके कहने का मतलब यही था कि जो पठान थी एंड जवान थी, गाइस जब भी उनका कोई कंटेंट आने वाला होता था, लाइक टीजर आने वाला होता था या ट्रेलर आने वाला होता था या सॉन्ग आने वाला होता था, तो सोशल मीडिया पे एक हफ्ता पहले ही पता चल जाता था। इवन ताकि जो बड़े बड़े क्रिटिक्स लाइक राहुल राउत हो गए या फिर आपके हो गए भाई हिमेश साहब हो गए या फिर तारण इदारश, वो भी समहाउ थोड़ा बहुत करते ही थे कंट्रीब्यूट, लेकिन जितने भी ये बड़े बड़े ट्विटर के ऊपर क्रिटिक्स बैठे हैं ये एक हफ्ता पहले ही अपडेट दे देते थे कि भाई ये कंटेंट इस दिन आने वाला है। बट अभी डंकी का टीजर आज अगर आज डेट देखें तो 29th of October है, आज का दिन तो समझो क्या, मतलब कल है 30, 31st का ये मंथ है, दो दिन ये हो गए और आगे 1st of November, 3 दिन है, लेकिन अभी तक किसी भी बड़े सोर्स की तरफ से ये न्यूज नहीं देखने को मिल रही कि भाई डंकी का टीजर 2nd of November पे है या नहीं। हाँ, अगर तो ये फिल्म सिर्फ रेड चिलीज की होती देन तो हमें कोई डाउट ही नहीं था, क्योंकि रेड चिलीज की फिल्म हो और भाई उन्हीं के स्टार या उन्हीं के ओनर सीईओ शाहरुख खान की बर्थडे और उसकी फिल्म का टीजर ना है, इम्पॉसिबल। लेकिन डंकी का यहां पर सिनेरियो ये है कि भाई साहब डंकी जो है गाइस ये एक प्रोडक्शन हाउस की फिल्म नहीं है, ये राजकुमार हिरानी प्रोडक्शन हाउस की भी फिल्म है, जियो सिनेमा प्रोडक्शन हाउस की भी फिल्म है और गाइस ये रेड चिलीज की भी फिल्म है। तीनों प्रोडक्शन हाउस का यहां पर पैसा लगा हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूशन है एटसेट्रा। तो भाई अब ऑफकोर्स तीनों प्रोडक्शन हाउस जो डिसीजन लेंगे उस डिसीजन पर सबको चलना पड़ेगा। तो अब उस पेज के अकॉर्डिंग साहब डंकी का टीजर 2nd of November पे नहीं आ रहा, ये आ रहा है दिवाली 2020 यानी कि अभी जो टाइगर 3 के जिस दिन रिलीज होने वाली है 12th of November उस दिन। अब गाइस देखिए यहां पर अगर पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे दम भी लग रहा है, क्योंकि इस पे भी कोई डाउट नहीं है कि अगर मैं जवान ही को पकड़ लूं तो जवान के ट्रेलर का हमें एक हफ्ता पहले पता चल गया था, टीजर का एक हफ्ता पहले पता चल गया था प्रीव्यू का, तो कंटेंट जो भी आने वाला होता था पहले से ही उसकी चर्चा हो जाती थी। वैसे भी आपको पता है शाहरुख खान का जो लेवल है तो उनकी अपकमिंग फिल्म को लेकर जो भी सीन होता है वो पहले से ही पता चल जाता है। बट डंकी को लेकर अभी तक नहीं आया तो सबका यही मानना है कि 2nd of November को कुछ भी नहीं है। बट मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि भाई अगर तो टीजर रेडी है, मतलब रेडी है ऑफकोर्स 100, 100,000% भाई डंकी का टीजर रेडी है, आप ये बस मान के रख लो। अब गाइस जब एक एसेट रेडी है और उसको एक इंडिया के सबसे बड़े स्टार की बर्थडे पर ना रिलीज किया जाए, क्या फायदा, क्वेश्चन है ना, क्या फायदा। सो मतलब मुझे लगता है कि भाई शोर शोर आजकल में अनाउंसमेंट हो जाएगी डंकी का, आज चलो कुछ भी नहीं आया तो मे बी कल कोई पोस्टर आ सकता है या परसों पोस्टर आ सकता है या मे बी कोई अनाउंसमेंट हो जाए या मे बी किसी ऑफिशियल बड़े सोर्स से पता चल जाए कि भाई डंकी का टीजर लोडिंग है। बट गाइस अभी तो मैं तो यही मानकर चलूंगा कि 2nd of November हो और शाहरुख खान की बर्थडे हो और उस पर शाहरुख की अपकमिंग फिल्म का कोई कॉन्टेंट ना आए, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। हाँ लेट सपोज अगर टीजर नहीं आता तो पोस्टर तो डन है, बट मुझे लगता है पोस्टर कोई बहुत छोटी चीज है अभी फिलहाल, मुझे लगता है ये लोग वीडियो कंटेंट जरूर रिलीज करेंगे। क्योंकि गाइस देखिए सालार अगर, मतलब दोनों का क्लैश है ना, सालार वर्सेस डंकी, एक्वामैन भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो एक्वामैन का भी टीजर ट्रेलर आ चुका है, सालार का भी टीजर आ चुका है, रहती है डंकी, इसका अभी तक वीडियो कंटेंट नहीं आया, तो मुझे लगता है मेकर्स देर नहीं करने वाले। बाकी होप फॉर द बेस्ट, आप इस बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बट मैं तो अभी
भाई सेकंड नवंबर को ही लेकर चलूंगा। मुझे बिलीव है कि भाई इतने बड़े स्टार की बर्थडे है और उसकी अपकमिंग फिल्म को लेकर कुछ आना इम्पॉसिबल है ये। सो होप फॉर द बेस्ट। बाकी इससे रिलेटेड मुझे जैसे कोई अपडेट मिली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी तो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना बनता है। आपको इस अपडेट से रिलेटेड और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज मिली तो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।